वन टू थ्री फोर फाइव. वाओ चिल्ड्रन विल लव टू लर्न लाइक दिस एडिशन सम्स. किड्स आर गोइंग टू लव दिस. जब हम बच्चों को ऐसे सिखाएंगे एडिशन सम्स, वो तो मस्ती में ही झूम झूम के हैप्पी हैप्पी होके इसको लर्न कर लेंगे. लेकिन कराना कैसे है, चलो सीखते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशास पाठशाला. निशास पाठशाला, आपने देख लिया होगा ना स्टार्टिंग में मैं कितनी अच्छी एक फन एक्टिविटी लेके आई हूँ आपके बच्चों के लिए एडिशन सम्स को सिखाने के लिए. मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करती हूँ, बहुत माइंड चलाती हूँ अपना कि कैसे भी करके मैं कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर ले रही हूँ तो उसको फन वे में कैसे सिखाऊँ कि आपके बच्चे उनको बहुत अच्छे से सीख पाएँ. तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं जो भी कुछ भी एक्टिविटी कराती हूँ ना, कोई मैं इतनी डिफ़िकल्ट एक्टिविटी नहीं लेके आती कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़े जो कुछ पेरेंट्स नहीं बना पाते. कुछ पेरेंट्स एक्टिविटी मीन्स ड्राइंग में अच्छे नहीं होते, इसीलिए मैं छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ लेके आती हूँ जो आप सब बना सको उसको अच्छे से अपने बच्चों के लिए. और मैं एक उम्मीद रखती हूँ कि आप प्लीज़ बच्चों को वैसे सिखाना शुरू करो, आप फ़र्क खुद देखोगे. देखो बच्चों को हमने सिर्फ इसीलिए नहीं सिखाना कि ये वाला कॉन्सेप्ट इस क्लास में है, फटाफट पढ़ाना है, कवर करना है, नहीं. पूरी लाइफ के लिए उनको वो चीज़ सिखानी होती है. और अर्ली एज ऐसी होती है जो भी बच्चों के माइंड में हम डालेंगे वो एक मतलब वो सीड हम डालते हैं, वो ग्रो अप करके एक ट्री बनता ही बनता है. तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, कुछ मुझे ऐसे एक्टिविटीज़ मिले जो बच्चों को बहुत मतलब खुश करें कि अच्छा हम लर्न नहीं करें, बट दे आर लर्निंग. लेकिन उनको लगता है कि हम लर्न नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज़ आप लोग ऐसी ही एक्टिविटीज से कराओ बच्चों को, उनके माइंड में जो सीड डाल रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का डालिए आप. तो फिर करते हैं स्टार्ट. आपको सिखाते हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत ही प्ले वे में और इजी मेथड में कैसे सिखा सकते हो एडिशन सम्स. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने बच्चों को एडिशन सम्स कैसे नहीं सिखाने हैं. बिल्कुल ये मेथड फॉलो मत करना आप लोग. लाइक यहाँ पे 6 लिखा है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं 6 लिखा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 जो है यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करो. यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ करिए 1 2, और इन सबको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 है, यहाँ पे हमें 8 राइट करना है एंड आंसर भी 8 राइट करना है. नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग मेथड, क्योंकि इस मेथड में बच्चे अपना ब्रेन बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे. वो क्रैमिंग रट्टा मारेंगे कि अच्छा यहाँ 6 है तो 6 ड्रॉ कर दो लाइन, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लाइन्स ड्रॉ कर दो. वो अपना माइंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे इस मेथड में. सो प्लीज़ से नो टू दिस मेथड. इसका कॉन्सेप्ट मीन्स एडिशन सम्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक ये हैंड बनाया है. आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगी, आप भी इसको बहुत इजीली बना सकते हो. कुछ भी नहीं किया इसमें मैंने, आप देख सकते हो एक हैंड ड्रॉ किया बस मैंने. ये वेलक्रो होती है, आपको स्टेशनरी शॉप से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी. वेलक्रो लगा दी, यहाँ पे भी सारी वेलक्रो लगा दी मैंने. इसको वेलक्रो लगाने के बाद ये आराम से ये ऐसे बंद होगा, ठीक है, और ये इजीली ओपन होगा. आपका ये आराम से इजीली देखो ओपन हो रहा है. तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपको बच्चों को फन वे में प्ले वे में सिखाना है तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, कोई ज़्यादा मनी भी आपकी नहीं लगेगी. ये वेलक्रो हार्डली 15-20 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको. तो इस मेथड से आप अपने बच्चों को सिखाओगे ना तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा मेथड है बच्चों को सिखाने का. चलो करते हैं स्टार्ट. कैसे सिखाना है, को क्या करना है. सबसे पहले बच्चों को ऐसे हैंड बना के देना है, इट्स वेरी इजी टू मेक, ठीक है. और बच्चों को ऐसे सम देना है कोई भी, लाइक 4 + 3. सबसे पहले बच्चों को बोलो बिग नंबर देखे कौन सा है, विच नंबर इज बिग. 4 इज बिग, सो कीप बिग नंबर इन माइंड. बहुत फन वे में यही लाइन बोलना, कीप बिग नंबर इन माइंड. एंड 3
three number on fingers. The child has to open three fingers like this. 1, 2, 3. Three fingers हमारी open हो गई है ना. उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, 4 के बाद count करेंगे 3 तक. 5, 6, 7. And the child has to write answer. 7 is answer. इससे आप कराओगे ना, बच्चे बहुत interesting way में करेंगे इसको. अब हम next sum देखते हैं. 5 and 2 में से which is big number? 5 is big number. तो आप बच्चों को interesting way में ऐसे बोलिए, keep big number in mind. Keep big number in mind. And small number on fingers. And small number on fingers. तो बच्चों को बोलेंगे यही देना है बच्चों को, और बच्चों को बोलना है अच्छा 2 number small है तो you have to open 2 fingers. Let's open this. 1, 2 and 5 के बाद अब 2 हमने fingers open की. अब counting बोलो. 6, 7, 6, 7. And after that, the child has to write answer like this. आया ना मजा addition sums को सिखा के और बच्चों को सीख के. तो इसके लिए मुझे एक लाइक दे दो ना प्लीज, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों तक ये वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप अपने बच्चों की टीचिंग को, लर्निंग को बहुत अच्छे से और अच्छा बना सको. तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है मेरे लिए. जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ज्यादा वेट मत करिए, आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन जाके प्रेस करिए, हिट करिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाइए. ओके, जल्दी से करिए. आज के लिए बस इतना ही, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस, कीप स्माइलिंग ऑलवेज. Bye, take care.